एक कहावत है आम जीवन में कि तुमने मेरी चैन की नींद तो देखी है लेकिन सर्द रातों में मुझे जागता नहीं देखा। आज पीएम मोदी देश के सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री हैं। अपनी तपस्या, लगन, चेतना और विवेकशीलता के साथ वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाल नरेंद्र मोदी थे तब वो पिता की सहायता करने के लिए वडनगर रेलवे स्टेशन पर जाया करते थे। बाल नरेंद्र मोदी ने इस बात को अपने बचपन में ही सार्थक किया था कि बालक मतलब पुरुषार्थ, वैभव और संघर्ष होता है। ये बात उन्होंने अपने परिवार और पिता का सहयोग कर साबित की थी। नरेंद्र मोदी ने अपने संघर्ष से ही सीखा है कि समाज के सभी वर्ग का समावेशी विकास कैसे संभव हो पाएगा। लेकिन टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा, जो एक संभ्रांत वर्ग से आती हैं, वो अचानक से एक चाय की दुकान पर पहुंचकर चाय बनाते हुए प्रधानमंत्री के संघर्ष पर पंक्तियां कसती हैं, जो इंसानियत, मर्यादा और राजनीतिक स्तर पर हमेशा ही नीचे ही देखेंगे। आखिर कैसे उड़ाया महुआ मोहित्रा ने प्रधानमंत्री के संघर्षों का उपहास, आपको बताते हैं। अपने बयानों और ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में रहने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा का चाय बनाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे उन्होंने खुद ट्वीट किया और लिखा, चाय बनाने के लिए अपना हाथ आजमाया, कौन जाने आगे चलकर मैं कहां पहुंच जाऊं। इस ट्वीट पर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। वायरल वीडियो में महुआ मोहित्रा सड़क किनारे एक चाय की छोटी सी दुकान में दिख रही हैं। इस दौरान उन्होंने गैस स्टोव पर खुद से चाय बनाई, हालांकि उन्होंने जगह का जिक्र नहीं किया। वायरल वीडियो पर उनके प्रशंसक उनकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं विरोधी उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दें, महुआ मोहित्रा ने इस वीडियो के कैप्शन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसने की कोशिश की। पीएम मोदी ने अपने बचपन के दिनों और परिवार के हालातों को याद करते हुए कहा था कि उनके पिताजी वडनगर स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे, इस दौरान वो भी कभी कभार चाय बेचा करते थे। महुआ को समझना चाहिए कि पीएम जमीन से उठे नेता हैं, इसीलिए वो जमीनी स्तर पर लोगों की नब्ज समझते हैं, तभी देश के अधिकतर हिस्सों में भगवा कपट जम लहरा रहा है। राजनीति यानी कि राज और नीति, मतलब पहले नीति फिर राज करने की तैयारी। लेकिन इस कलयुग में सब कुछ जायज है, क्योंकि इसी राजनीति के चक्कर में भगवान को घसीटा जाता है। आपको बता दें, कांग्रेस को भगवत गीता में जिहाद दिखता है, तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का मानना है कि रामचरितमानस में नफरत की बातें लिखी हैं। धार्मिक तुष्टिकरण के लिए बीजेपी विरोधी पार्टियां हिंदू के बाद ग्रंथ पर हमला कर रही हैं। देश को हिंदुत्व से खतरा है। हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और आईएसआई से भी की जा चुकी है। शिवलिंग को लेकर भी कई आपत्तिजनक बयान सामने आए हैं। बस सवाल यह उठता है कि आखिर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए राजनीतिक दल कब तक हिंदुओं के साथ उनके भगवान और ग्रंथ का अपमान करते रहेंगे। नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर यादव का रामचरितमानस को लेकर कमेंट कोई अचानक दिया हुआ बयान नहीं है। दो दिन पहले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री का दीक्षांत समारोह के दौरान ये कहना कि रामचरितमानस पढ़ने से नफरत फैलती है, ये कोई अचानक दिया गया बयान नहीं लगता। बिहार के शिक्षा मंत्री इतना कहकर नहीं रुके थे, बल्कि उन्होंने रामचरितमानस को लेकर भी कई अपमानजनक बातें की। उन्होंने जीतन राम मांझी का नाम लेकर कहा कि अगर वो मंदिर जाते हैं तो मंदिर के पुजारी गंगाजल से मंदिर को धो देते हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर ने अपने बयान में ये भी कहा कि रामचरितमानस में लिखा है कि नीची जात के लोग अगर पढ़ लिख गए तो वो जहरीले हो जाते हैं। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि बिहार के मंत्री की ओर से इस तरह का बयान यूं ही नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया से लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने चंद्रशेखर यादव के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि वो मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। बिहार बीजेपी चीफ ने कहा कि इससे पहले भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सूबे की नीतीश कुमार सरकार तुष्टिकरण की राजनीति में इतनी अंधी हो चुकी है कि सदन के अंदर राष्ट्रगीत के वक्त भी मुस्लिम नेता नहीं उठते, बावजूद इसके उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। ये तुष्टिकरण की ही पराकाष्ठा है। 2020 में ही एनडीए सरकार के दौरान बिहार विधानमंडल के समापन पत्र में राष्ट्रगीत गाने का फैसला लिया गया था, लेकिन आरजेडी के साथ जाते ही नीतीश कुमार की सरकार ने विधानमंडल के लिए किए गए इस निर्णय को वापस ले लिया। संजय जायसवाल ने कहा कि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति पर उतर चुके हैं। सियासी दल मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू धर्म, भगवान और ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस तो शुरू से ही भगवान श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाती रही है। राहुल गांधी विदेश में जाकर ये कह चुके हैं कि देश को हिंदू से खतरा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद तो हिंदुओं की तुलना बोको हरम और आईएसआईएस से कर ही चुके हैं। कांग्रेस नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल को गीता में जिहाद नजर आता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे विश्व में हिंदू समाज ही है जो अपने धर्म और भगवान पर किए जा रहे इतने अपमान के बावजूद चुपचाप सब कुछ सह रहा है।
मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों को यह भी सोचना चाहिए कि अगर हिंदू असहिष्णु हो गए तो क्या होगा। संजय जायसवाल ने आगे कहा कि देश की जनता सब जानती है और वक्त आने पर तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों को करारा जवाब देकर उनको सही ठिकानों पर पहुंचाने का काम करेगी। तो बिहार राजनीति ओछी के साथ अब गंदी भी होने लगी है। हमारे समाज में एक शेर बहुत फेमस है कि दुश्मनी इतनी ही कीजिए कि नजर मिलाने की गुंजाइश बची रहे। समाजवाद के पुरोधा राम मनोहर लोहिया जेपी हो या फिर कर्पूरी ठाकुर, सबका यही कहना था कि राजनीति में लड़ाई वैचारिक होनी चाहिए, ना कि निजी मतभेद होने चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जो समाजवाद का चोला पहन के घूमते हैं, उन्हें शायद इन समाजवादियों की राय कुछ खास समझ नहीं आई, तभी तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजनीतिक की जगह निजी मतभेद कर लिए हैं। लेकिन अब आलम यह है कि अब अपने 17 साल पुराने साथी के प्रमुख नेता से उन्हें नजरें छिपानी पड़ रही हैं। आखिर क्यों और कब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से नजरें चुराते दिखे, चलिए आपको बताते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से दूरी बनाई। दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास के उद्घाटन समारोह में बिहार की ओर से नीतीश कुमार के बजाय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शिरकत की। इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इससे पहले भी पीएम मोदी की यूपी और पश्चिम बंगाल में हुई बैठकों में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे और अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भेजा था। पीएम मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी के वाराणसी से एमवी गंगा विलास क्रूज को रवाना किया। ये क्रूज 51 दिनों की यात्रा करते हुए भारत के 5 राज्यों और बांग्लादेश से गुजरेगा। इसमें सवार होने वाले यात्रियों को बिहार समेत अन्य राज्यों के धरोहर स्थलों का दौरा कराया जाएगा। गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन कार्यक्रम में बिहार की ओर से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। तेजस्वी ने कहा कि गंगा विलास क्रूज बिहार के 6 स्थलों बक्सर, छपरा, पटना, सिमरिया, मुंगेर, सुल्तानगंज और कहलगांव से रुकेगा। इससे पहले भी कुछ मौकों पर नीतीश कुमार पीएम के कार्यक्रम से दूरी बना चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल अगस्त में बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन के साथ राज्य में सरकार का गठन किया था। 30 दिसंबर को कोलकाता में नमामि गंगे योजना को लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की थी, मगर सीएम नीतीश उसमें भी नहीं गए और तेजस्वी को भेजा। इससे पहले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर हुई प्रधानमंत्री की बैठक में भी नीतीश नहीं शामिल हुए थे। यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पूर्वी राज्यों की बैठक से भी नीतीश कुमार ने दूरी बनाई थी और तेजस्वी को उसमें भेजा था। लेकिन अब नजरें चुराने से क्या फायदा, क्योंकि जिन वाजपेयी वाली भाजपा को आप बेहतर बताते हैं, दिवंगत अटल जी ने ही संसद में कहा था कि बेईमानी और बेईमान लोगों के साथ से बनी सरकार और सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बीते दिनों कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मोदी से नजरें चुरा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं की लगातार पोल खुल रही है। कभी तिहाड़ जेल में बंद महाठक सुकेश चंद्रशेखर पोल खोलता है, तो कभी आम आदमी पार्टी के नेता अपने फैलाए हुए रायते में खुद फंस जाते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को दावा किया था कि उनके दफ्तर पर सीबीआई ने रेड डाली है। सिसोदिया ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि आज फिर सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची है, उनका स्वागत है। इन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, दफ्तर में छापा मारा, लॉकर तलाशे, मेरे गांव तक में छापेमारी करा ली। मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, ना मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है। लेकिन सीबीआई ने उनके दावे का खंडन करते हुए कहा कि हमने कोई छापा या तलाशी नहीं ली। दूसरी ओर सीबीआई रेड को लेकर के सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। पार्टी ने ट्वीट करके कहा कि फिर एक बार मोदी जी की सीबीआई मनीष सिसोदिया जी के दफ्तर पहुंची, लेकिन इन्होंने अब तक ये नहीं बताया कि पिछली रेड में क्या मिला था, क्योंकि घर, ऑफिस, बैंक लॉकर और मनीष जी के गांव तक की छानबीन करने के बाद इन्हें सिर्फ एक झुंझुना मिला था। वहीं सिसोदिया के दफ्तर पर सीबीआई की छापेमारी की खबर के बाद बीजेपी ने भी सिसोदिया पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि ये एक रूटीन इंक्वायरी है, अगर सिसोदिया बेगुनाह हैं तो उन्हें नहीं डरना चाहिए, उन्हें हर बार की तरह खुद को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी देने की आदत है। साथ ही कहा कि विक्टिम कार्ड खेलना ठीक नहीं है, दिल्ली की जनता देख रही है कि आप कितने घोटालों में फंसे हैं। वहीं सीबीआई से जुड़े सूत्रों का कहना है कि छापेमारी नहीं की जा रही है, आबकारी केस से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज लेने के लिए टीम सचिवालय गई थी और उसके बाद वहां से निकल गई। हालांकि सीबीआई के सचिवालय पहुंचते ही मनीष सिसोदिया बेचैन हो उठे। सवाल है कि अगर सिसोदिया ने कुछ नहीं किया तो सीबीआई को देखकर इतना घबरा क्यों रहे हैं। आपको बता दें कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई ने पिछले साल मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी की थी। दिल्ली एनसीआर की 20 जगहों पर सीबीआई ने रेड की थी। एक्साइज पॉलिसी में अनियमितता को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने की थी। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर ही एलजी ने जांच की सिफारिश की थी। दरअसल मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने नई एक्साइज ड्यूटी में गड़बड़ी की।
मनीष सिसोदिया के पास ही एक्साइज डिपार्टमेंट है। चीफ सेक्रेटरी ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, इसमें GNCTD एक्ट 1991, ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल 2010 के नियम तोड़ने की बात कही गई थी। त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक राजनीति का अर्थ अलग रहा। जहां जनता अपने राजा को भगवान से तुलना करती थी, तभी तो आम इंसान भी भगवान बन गया। लेकिन जैसे ही कलयुग की शुरुआत हुई, वैसे ही राजनीति का अर्थ बदल गया। जहां राजनेता सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगे हैं और अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में भगवान तक को नहीं छोड़ते। कोई पुरुषोत्तम राम को लेकर टिप्पणी कर देगा तो कोई भगवद गीता को लेकर। अब तो हद ही हो गई, जब बिहार के एक मंत्री ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी कर डाली, जिसके बाद बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। आपको बता दें, श्री रामचरितमानस के खिलाफ बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के विवादित बयान को लेकर RJD और JDU में मतभेद पैदा हो गया है। दोनों दलों के नेता इस बयान को लेकर आमने सामने हैं। शिक्षा मंत्री जहां अपने बयान पर खुद को अडिग बता रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी JDU के मंत्री अशोक चौधरी ने बयान वापस लेने की मांग की है। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि रामचरितमानस की चौपाई को गलत तरीके से रखा गया। उन्होंने यहां तक कहा है कि ये बयान धार्मिक भावना को आहत और भ्रमित करने वाला है। तो वहीं पटना में चैनल को दिए गए अपने बयान में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि वो अपने बयान को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो कहा है सत्य कहा है और अंतिम सांस तक सच्चाई के साथ रहेंगे। ये पूछे जाने पर कि आपने शिक्षा मंत्री के तौर पर बड़ा रिस्क लिया है, इस पर प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि सच बोलना रिस्क है तो इसे रिस्क ही मान लीजिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पार्टी के कहने पर ही बयान वापस नहीं लेंगे। हालांकि पार्टी ऐसा नहीं कहेगी, इसके लिए संघर्ष करेंगे और अपने विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि श्री रामचरितमानस में तुलसीदास दुबे ने उत्तरकांड, सुंदरकांड और अरण्यकांड में अपमानजनक कई चौपाइयां ऐसी लिखी हैं जो संपूर्ण वंचित समाज को अपमानित करने वाला है। देश और दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल रख दिया है। इसका जवाब देने के लिए किसी से भी बहस करने को हम तैयार हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी स्थिति में वो अपने बयान को वापस नहीं लेंगे। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने इस मामले में साधु संत समाज को भी आड़े हाथों लिया। तो ये बिहार की यथास्थिति है, जहां महागठबंधन में खींचतान चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री मौन है और वहीं डिप्टी CM साहब यानी कि तेजस्वी यादव अपनी अलग अलग स्तर पर ही बिहार की सत्ता परिवर्तन के प्लान को एक्टिव करने में जुटे हुए हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि बिहार की राजनीति कौन पलटने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।